हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेरिया चैनल पे। बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर प्री 2020 के टेस्ट नंबर 2 में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूँ। इससे पहले बिहार इन्फोर्समेंट के लिए टेस्ट नंबर 1 प्रोवाइड किया जा चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपने उस टेस्ट को नहीं बनाया है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस पर क्लिक करें और उसे घर पर उसकी प्रैक्टिस करें। दोनों ही टेस्ट के PDF टेलीग्राम के ग्रुप में दिए गए हैं, जहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट नंबर 2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में रॉलेट एक्ट लाया गया था। भारत में जो राष्ट्रवादी आंदोलन उभर रहे थे, उन्हें कुचलने के उद्देश्य से रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय लाया गया। इस एक्ट को गांधी जी ने काला कानून, वहीं मोतीलाल नेहरू जी ने बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा है। इसके विरोध में अध्यक्ष कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम थे, और यह जो बैठक बुलाई गई थी वह बम्बई में बुलाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संयुक्त प्रांत क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई थी? तीन प्रकार की व्यवस्था दोस्तों लागू थी, जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। जमींदारी बंदोबस्त में जमींदारों को नियुक्त किया जाता था कि वो किसी क्षेत्र से टैक्स लेकर ब्रिटिश शासन को दे। रैयतवारी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधा किसानों से टैक्स लिया जाता था, लेकिन महलवारी बंदोबस्त में किसानों से नहीं बल्कि पूरे गाँव से टैक्स लिया जाता था। जमींदारी बंदोबस्त पश्चिम बंगाल, बिहार आदि के क्षेत्रों में लागू थी। रैयतवारी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में लागू था, और महलवारी बंदोबस्त जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और संयुक्त प्रांत क्षेत्रों में लागू था। महलवारी बंदोबस्त वर्ष 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया था। तो महलवारी बंदोबस्त इसका आंसर होगा दोस्तों, जिसमें कि कर का 1/2 भाग 1855 ईस्वी से लॉर्ड डलहौजी के समय से लिया जाता था। यह टोटल 30% क्षेत्र पर लागू था। जमींदारी बंदोबस्त 19% क्षेत्रों पर लागू था, और रैयतवारी बंदोबस्त 51% क्षेत्र पर लागू था। आगे बढ़ते हैं। ददनी प्रथा क्या है? तो ददनी प्रथा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारतीय कृषक, मजदूर और शिल्पकार थे, उनको अग्रिम राशि देकर उनसे उपज करवाई जाती थी, और वो उपज का वो मनमाना दाम लेते थे और अपने हिसाब से उसको खरीदते थे, जिससे कि भारतीयों के जो स्थिति थी कि शिल्पकारों की और जो उत्पादक थे, वो स्थिति खराब होने लगी। इसीलिए ददनी प्रथा को अच्छा नहीं माना जाता है भारतीयों के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं सी। इस प्रथा में ब्रिटिश व्यापार भारतीय कारीगरों को, उत्पादकों को, शिल्पियों को अग्रिम पेशगी के रूप में धन देते थे और उनसे उत्पादन करवाते थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिएगा कि नील उत्पादकों को अपनी भूमि का 3/3 भाग पर नील उत्पादन करना पड़ता था, या आप नील उत्पादन का जो आप पढ़ते होंगे तीन कठिया प्रणाली, उसके संबंधित में ये तथ्य है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध में और मराठे के विरुद्ध में हुआ, और इसमें से मराठों का नेतृत्व तो किसने किया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध आपको मालूम होगा दोस्तों, 1761 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच हुआ था। इसमें जो नेतृत्व तो किया था वो बालाजी बाजीराव जी ने किया था, जिनका टाइम पीरियड 1740 से लेकर के 1761 तक था। इस युद्ध में पराजित होने के बाद उन्होंने उनको यह युद्ध की हार बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें एक बीमारी हो गई, क्षय रोग, जिसके पश्चात 1761 में ही उनका देहांत हो गया था। कहा जाता है दोस्तों कि बालाजी बाजीराव पूरे पेशवा में से सबसे अपना समाज विस्तृत करने में, यानी अपना क्षेत्र विस्तृत करने में सबसे प्रभावशाली हुए। वही सबसे ताकतवर राजा की बात करें तो वो सबसे राजा ताकतवर था बाजीराव प्रथम। अच्छा, जो क्षेत्र विस्तार में थे तो बालाजी बाजीराव। 1750 में ही इन्होंने संगोला की संधि की, जिसमें यह निषिद्ध हो गया कि जो असली शक्ति है वो छत्रपति के पास नहीं बल्कि पेशवाओं के पास है। आगे बढ़ते हैं। झलकी की संधि कब हुई? तो मराठा के बीच में एवं निजाम के बीच में, मराठा जो थे बालाजी और निजाम जो थे उनके मध्य में 1752 ईस्वी में झलकी की संधि हुई। इसमें निजाम ने बराड़ का आधा क्षेत्र उनको दे दिया था बालाजी बाजीराव को। थोड़ी देर पहले हमने बालाजी बाजीराव का पीरियड देखा था, 1740 से लेकर के 1761 तक। आगे बढ़ते हैं।
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों हुआ था कब? 1803 से लेकर के 1806 तक। ये दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध है। इसका मुख्य कारण था लॉर्ड वेलहेजी की सहायक संधि। जी बिल्कुल सही है। दूसरा, मराठों का आपसी संघर्ष, यह भी सही है। और फ्रांसीसी आक्रमण का भय, ये तीनों के तीनों कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके समय भारत में जो फ्रांसीसी नेपोलियन था उसका भय होने लगा था। वेलेजली के द्वारा जो सहायक संधि की संरचना बनाई गई थी उससे भी बचना था, और मराठा की जो चाहत है उसके आपसी संघर्ष के कारण बढ़ता जा रहा था। तो इसके कारण तीनों इसके तात्कालिक कारण बने। आगे बढ़ते हैं। सूरत की संधि, पूना की संधि और विभिन्न संधियाँ दी गई है। दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। चलिए पहले मिलान करते हैं। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। सूरत की संधि के बारे में आपको बता दूं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ। पूना की संधि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1817 ईस्वी में। पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जयसी के बीच में 1665 ईस्वी में हुआ था। और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? पहले 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, वही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में की गई। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। वही ब्रह्म समाज जब दो भागों में आगे जाके बढ़ जाता है तो एक का नाम होता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरे का नाम होता है भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने, वही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में ही केशव चंद्र सेन द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिमों द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, जब ब्रिटिश ने यह घोषणा की कि भारतीय हमारे साथ द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित है। तो इससे नाराज होकर कांग्रेस के पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। जिस दिन को कांग्रेस ने इस्तीफा दिया उस दिन को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। तो वह दिन था 22 दिसंबर 1939। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? मृच्छकटिकम, मुद्राणाक्षस, गार्गी संहिता और राजतरंगिणी। तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक मृच्छकटिकम से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। वही मुद्राणाक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य एवं मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी जिसमें कल्हण के द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो पूछा जा रहा है गुप्त काल के बारे में जानकारी, तो शूद्रक के द्वारा लिखी गई मृच्छकटिकम से गुप्त काल के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में आक्रमण किया गया। इस समय मेवाड़ का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो 1303 ईस्वी में मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया, जिस समय वहाँ के राजा राणा रतन सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी के समकालीन थे? तो बख्तियार काकी का जो पीरियड था उनका जन्म 1183 ईस्वी में एवं उनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में हुई। इस शासन काल के दौरान गुलाम वंश के दो प्रमुख शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार निर्माण का कार्य शुरू करवाया और इल्तुतमिश ने उस कार्य को पूरा किया। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन में नहीं है, जिस कारण इसका आंसर होगा इल्तुतमिश, जबकि दोनों का पीरियड ख्वाजा बख्तियार काकी के समकालीन थे। ये मोइजुन चिश्ती के उत्तराधिकारी थे और इनके उत्तराधिकारी जो बनते हैं वो बाबा फरीद बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। बिल्कुल सही, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। दूसरा, अकबर ने 1564 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। दोस्तों 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति की गई थी, जबकि दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। तो यह कथन गलत है। तीसरा,
1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की एवं उसे अपनी राजधानी बनाया। ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही है, इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। महाराणा रणजीत सिंह एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई? महाराणा रणजीत सिंह एवं अमृतसर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स मेटकॉफ ने इसका नेतृत्व किया, जबकि उस समय जो पीरियड चल रहा था लॉर्ड मिंटो का था। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि महाराणा रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई। अमृतसर की संधि के में यह निर्णय लिया गया था कि सतलज नदी के पश्चिमी भाग का क्षेत्र रणजीत सिंह के अंतर्गत आएगा, वही सतलज नदी से लेकर के जो पूरब का क्षेत्र होगा वह ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संत ने सनक संप्रदाय की स्थापना की? माध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, तुकाराम और बल्वाचार्य। तो आपको बता दूं कि निम्बकाचार्य ने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी, वहीं माध्वाचार्य जी ने ब्रह्म संप्रदाय और तुकाराम बाराकरी संप्रदाय और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। निम्बकाचार्य इसका आंसर होगा। सनक संप्रदाय, निम्बकाचार्य, माध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, तुकाराम बाराकरी संप्रदाय और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय। याद रखिए दोस्तों, ये बल्लभा है, भौ। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। इस काल में नगर के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पुरापाल जो उस समय हुआ करते थे उसे नगर का मुख्य अधिकारी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वही नगर श्रेष्ठ की बात करें तो पूंजीपतियों वर्ग का जो श्रेष्ठ नेता होता था उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। गोरता, सीमा प्रांतों के प्रशासक को गोरता गोरेता कहा जाता था, यानी गोरेता है, गोप्ता नहीं, गोरेता। और कर अधिकारी को सैकल्की कहा जाता था, सैल्की कहा जाता था। ये कर अधिकारी होता था, ये सीमा प्रांत के क्षेत्र का प्रशासन होता था, और यह नगर श्रेष्ठ जो कि पूंजीपतियों का श्रेष्ठ होता था, और पुरापाल जो कि नगर महापालिकाओं का जिसके द्वारा प्रशासन चलाया जाता था उसका मुख्य अधिकारी होता था। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, सूत पिटक एवं विनय पिटक में बांटा गया, वह कहाँ बांटा गया? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईस्वी में हुई वह आयोजित की गई थी राजगृह में। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान सूत पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई थी। सूत पिटक में बुद्ध धर्म से संबंधित उपदेशों को संग्रहित किया गया है, वहीं विनय पिटक में बुद्ध धर्म के नियमों का संकलन किया गया है। बुद्ध धर्म के विनय पिटक और सूत पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, और जबकि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान हुई। आगे बढ़ते हैं। महारत्न कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महारत्न कंपनी के संबंध में कई कथन दिए गए हैं। पहला है कि उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जी बिल्कुल सही, पहले वो नवरत्न कंपनी बनेगी, उसके पश्चात वो महारत्न कंपनी बनेगी। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कि वह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, यह भी सही है। पिछले 3 वर्ष में उसका सालाना कारोबार 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 5,000 करोड़ नहीं दोस्तों, इसका 3 वर्षों का कार्य जो सालाना कारोबार है वो 25,000 करोड़ का होना चाहिए। एनटीपीसी, ONGC, ये एस नहीं बल्कि सी है, ONGC महारत्न कंपनी का दर्जा इन्हें दिया गया है। तो बिल्कुल सही, वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियाँ हैं, और ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम के अनुसार सजाएं। वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है 1,106। उसके बाद जनसंख्या घनत्व आता है पश्चिम बंगाल का 1,028। उसके बाद आता है केरल का, और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से आप ऑप्शन पाइएगा कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारत में मूल्य कटौती की दर का निर्धारण निम्नलिखित में से कौन करता है? मूल्य कटौती की दर का निर्धारण जो किया जाता है वो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? ICCI, IFCI, IDBI और उपयुक्त सभी। ये तीनों कंपनियों के, जो तीनों बैंकों के द्वारा दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण
प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगले दिन वापसी की शर्त पर दिया जाने वाला ऋण क्या कहलाता है? कॉल मनी, हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, टोकन मनी। तो अगले दिन जो वापसी की शर्त पर दिया जाता है उसे कॉल मनी के नाम से जाना जाता है। हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा, वैसी मुद्रा जो कि प्रचलन में अधिक होती है उसे हॉट मनी कहते हैं। सॉफ्ट मनी जिसे पाना आसान होता है उसे सॉफ्ट मनी कहते हैं, जिसे पाना थोड़ा कठिन होता है उसे हार्ड मनी कहा जाता है। तो जो डॉलर है वो हॉट मनी का उदाहरण भी है और हार्ड मनी का उदाहरण भी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर व्यक्तिगत जो इनकम टैक्स हम लोग देते हैं आयकर, वो प्रत्यक्ष कर है। निगम कर प्रत्यक्ष कर है, जबकि सीमा शुल्क और सेवा कर अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें तो इसके अतिरिक्त उपहार कर एवं जो भूमि संपत्ति कर जो होता है वो भी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। व्यक्तिगत कर, निगम कर, संपत्ति कर और उपहार कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। GST, सीमा शुल्क, सेवा शुल्क ये सब अप्रत्यक्ष के उदाहरण है। तो पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष कर, तो ए एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 24 क्वेश्चन है। हाल ही में प्रारंभ की गई अटल भूजल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अटल भूजल योजना हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल जी के जीवन जन्मदिन पर जो 25 दिसंबर को थी उस दिन उन्होंने नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। इसके तहत जो 7 राज्य है उसे लाभ प्रदान किया जाएगा। भूजल का जो स्तर गिरता जा रहा है उसे उठाने के लिए संरचना में विकास किया जाएगा। इसके साथ जो विश्व बैंक के साथ हमने समझौता किया है, भारत सरकार ने टोटल इसे इस पर 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 3,000 करोड़ विश्व बैंक के द्वारा जबकि बाकी 3,000 करोड़ भारत सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। तो पहला जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया, बिल्कुल सही। विश्व बैंक सहयोगी बनेगा, बिल्कुल सही। इसका लाभ 8 राज्यों को मिलेगा, जी गलत। इसका होगा 7 राज्य और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वो 7 राज्य कौन कौन है? तो उसका आंसर है कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये है वो 7 राज्य। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत की लक्ष्मी अभियान का समर्थन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PV सिंधु एवं दीपिका पादुकोण को भारत की लक्ष्मी अभियान के लिए चुना है। तो PV सिंधु ऑप्शन में है क्योंकि पूछा जा रहा है बैडमिंटन खिलाड़ी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी PV सिंधु। जबकि अगर व्यक्तियों के नाम पूछे तो PV सिंधु एवं दीपिका पादुकोण को भारत की लक्ष्मी के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। नवजात बच्चों के अनुवांशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो हाल ही में नवजात शिशु के संरक्षण के लिए जो उन्हें अनुवांशिक रोग से बचाएगा इसके लिए उम्मीद पहल की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है। आपको बताना है कि हाल ही में वह कौन सी योजना है जिसके तहत निमोनिया से होने वाले बच्चों की मृत्यु में को कमी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2019 के संबंध में कौन सा कथन सही है? WEF के द्वारा प्रतिवर्ष लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक यह दर्शाता है कि किस देश में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, वो कितना ज़्यादा है। इस हिसाब से सबसे जो ऊपरी राज्य होता है वहाँ ऊपरी देश होते हैं उसमें सबसे कम एवं निचले देश में सबसे ज़्यादा महिला और पुरुष के बीच में अंतर देखा जाता है। तो इस सूची में आइसलैंड का स्थान प्रथम रहा, वहीं भारत का स्थान 112 रहा। वर्ष 2018 में भारत का स्थान 108 था, यहाँ पे 109 दिया हुआ है, अतः ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, यह गलत ही पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है, लेकिन बाकी के 3 कथन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो पलाऊ देश ने हाल ही में सनस्क्रीन क्रीम को बेचने के पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि वहां के कोरल रीफ की रक्षा हो सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी इंडिया करप्शन सर्वे 2019 में किस राज्य में सर्वाधिक भ्रष्टाचार के मामले देखे गए? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के द्वारा करप्शन सर्वे निकाला गया। इस सर्वे में राजस्थान में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले देखे गए, जो कि लगभग 78% था।
वही दूसरा सबसे भ्रष्ट जहाँ पे करप्शन होगा वह है बिहार, और सबसे कम करप्शन राज्य की बात करें तो वह है केरल, जहाँ पे सब मात्र 10% ही करप्शन था। आगे बढ़ते हैं तीस नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी नौकरी और निजी स्कूलों में 3री से लेकर 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है? तो यह निर्णय हाल ही में उत्तराखंड के सरकार के द्वारा लिया गया है, जहां पे 3री से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को संस्कृत भाषा में शिक्षा अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? तो आपको चारों के बारे में बता दें, अल्बर्टो फर्नांडेज को हाल ही में अर्जेंटीना का राष्ट्रपति बनाया गया है, अब्दुल मजदीद तिबाने को अल्जीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, पृथ्वीराज सिंह रूपन को मॉरिशस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, और एंटोनियो कोस्टा को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चारों अभी हाल ही में रिसेंटली अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पे मॉरिशस के राष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में खोला गया? बिहार का पहला महिला डाकघर पटना में बीपीएससी ऑफिस के पास खोला गया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन वन मिसाइल का प्रक्षेपण किया? सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन वन मिसाइल का प्रक्षेपण हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व कप कबड्डी 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? विश्व कप कबड्डी कप 2019 का आयोजन 1 से 9 जनवरी 2020 के मध्य पंजाब में किया गया है, जिसमें विजेता देश भारत जबकि उपविजेता कनाडा रहा। भारत ने कनाडा को पराजित कर विश्व कबड्डी कप 2019 का खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में केरल सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो रानी रामपाल आपको मालूम होगा कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, इनका संबंध हॉकी से है। इन्हें हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर रानी रामपाल, भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान। आगे बढ़ते हैं, RBI ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है, जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी का मूल्य का नोट जान सकेंगे? तो हाल ही में RBI के द्वारा मनी नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जो कि दृष्टिबाधित यानी जो नेत्रहीन है उनको नोट के मूल्य को पहचानने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हाल ही में 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाल ही में इदांशी भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनकी कृति थी आँख हीरे हरियल सपना, और मनीषा कुलश्रेष्ठ को 28वां बिहारी पुरस्कार किया गया है। बिहारी पुरस्कार प्रतिवर्ष राजस्थान के किसी एक व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2018 में 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था स्वप्न पासा के लिए, और वहीं 29वां बिहारी पुरस्कार इदान सिंह भाटी को दिया गया है। वहीं पंडित विद्याधर व्यास को तानसेन सम्मान, और नंदकिशोर आचार्य जी को हाल ही में हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार में हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। उनकी कृति जो है वो थी छिलते हुए अपनों को। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को एकीकरण करने के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? तो आर्टिकल 242(2) का प्रयोग करते हुए हाल ही में दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली को एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण हाल ही में किया गया, जिसके पश्चात दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का एक संयुक्त राजधानी बनेगा, वो होगा दमन, और इसका जो हाईकोर्ट होगा वो बम्बई में होगा। इसके पश्चात देश में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। आगे बढ़ते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में ग्रेटा थॉनबर्ग को चुना गया। स्वीडन की एक बच्ची है जिसने पर्यावरण के विरुद्ध एक अभियान चलाया है, जिसके कारण इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का खिताब दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान से के लिए चुना गया। किस साहित्यकार को वर्ष 2019 के साहित्य सम्मान व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो हाल ही में नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान के लिए
चुना गया है वर्ष 2019 के लिए। वहीं वर्ष व्यास सम्मान 2018 लीलाधर जगुरी को दिया गया है और नासिरा शर्मा को वर्ष 2019 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला मेट्रो कौन है? तो हाल ही में दिल्ली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला मेट्रो बना है। सौर ऊर्जा के संचालित करने के बाद उसने बायो बिजली पर भी मेट्रो का परिचालन कर कीर्तिमान हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 मार्च, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 मार्च, ये चारों ऑप्शन है। मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को। वहीं 24 मार्च को टीबी डे यानी कि क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। टीबी 24 मार्च और मलेरिया 25 अप्रैल। और इनके लक्ष्य की बात करें तो भारत से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक और टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो याद कैसे रखेंगे दोस्तों कि मलेरिया वाले में लक्ष्य 30 तक है और टीबी वाले में लक्ष्य 25 तक है। तो टीबी वाले में यदि 25 तारीख आ गया है तो 25 तारीख मलेरिया वाले में होगा 25 अप्रैल का डेट और टीबी वाले में डेट होगा 24 मार्च का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में अनुपम खेर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली। अगला है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत एवं अमेरिका के मध्य संचालित होने वाला कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो वज्र प्रहार भारत एवं अमेरिका के बीच संचालित होने वाला प्रतिवर्ष का थल सेना अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बियांका एंड्रुस्को किस देश की महिला खिलाड़ी है जिन्होंने हाल ही में सेरेना विलियम्स को हराकर यूएस ओपन 2019 का खिताब जीत लिया है? तो कनाडा देश की महिला खिलाड़ी बियांका एंड्रुस्को ने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता। पुरुष वर्ग में राफेल नडाल जो स्पेन के हैं उन्होंने यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता। जनवरी 2020 और फरवरी 2020 में आयोजित होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब पुरुष एकल वर्ग में नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं उन्होंने जीता और महिला एकल वर्ग में अमेरिका की सोफिया केनिन ने यह खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को किस वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो CDS पद का जो रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु है उसे 65 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कारगिल युद्ध में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है? तो कारगिल युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले MiG-27 को भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है। MiG-27 को भारत का बहादुर कहकर भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को घटते क्रम में सजाया? तो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल में, उसके पश्चात तमिलनाडु में और उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में है। केरल में अगर लिंगानुपात की बात करें तो 1084, तमिलनाडु में 996 और आंध्र प्रदेश में 993 है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2011 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। अगला प्रश्न जो भी जनसंख्या से ही है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ है? तो निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है। अगर नहीं डायरेक्ट पूछा जाता कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ है तो वो होता अरुणाचल प्रदेश मात्र 17, लेकिन यहाँ इन चारों में से देखना है तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कह रहे हैं जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है 1106, उसके पश्चात पश्चिम बंगाल में है 1028, उसके पश्चात है केरला में और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार 50 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। जनसंख्या घनत्व के मामले में यूपी का स्थान चौथा है, बिहार पहला, पश्चिम बंगाल दूसरा, केरला तीसरा और यूपी चौथा। क्वेश्चन नंबर 51, टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाली एक जनजाति है और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग तमिलनाडु में है, इसलिए टोडा जनजाति का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वही अन्य जनजाति की बात करें तो लेपचा एवं भोटिया जनजाति का संबंध सिक्किम से है। झारखंड के जनजाति जो है आप जानते होंगे संथाल है, उसके पश्चात बिरहोर जनजाति है जो कि संबंधित है झारखंड से।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति, सैम्पेन, सेंटलीज आदि जनजाति जारवा से संबंधित है। एक जनजाति है थारू, जो यूपी की जनजाति है, जो दिवाली के दिन अपना शोक मनाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो माही नदी, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश विंध्याचल की पहाड़ी से है और यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। यहाँ पे माही है दोस्तों, माही। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही। वहीं विषुवत रेखा को दो बार काटने वाली नदी है कांगो, और लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को दो बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है? तो आपको मालूम होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक नज़दीक बेरिंग जल संधि है, जो कि उसके समांतर है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से अलग करती है, वहीं रूस को अमेरिका के अलास्का क्षेत्र से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड में गर्म स्थानीय बहने वाली पवनों को किस नाम से जाना जाता है? तो चिनूक, जो कि उत्तरी अमेरिका में बहने वाले एक गर्म पवन है, और हर्मटम, जो कि सहारा मरुस्थल से गिनी की खाड़ी की तरफ बढ़ने वाला एक गर्म स्थल है, जिसे डॉक्टर पवन कहते हैं। फौन, जो कि आल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में उतरने वाले गर्म पवन है, जो कि बिल्कुल सही है इस प्रश्न का उत्तर। और सिरोको, जो कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ बढ़ने वाला एक गर्म स्थल है, जो कि भूमध्य सागर के क्षेत्र में रक्त वर्षा कराती है। आगे बढ़ते हैं। संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये आप जानते होंगे। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, तीसरा है बोर्नियो और चौथा है मेडागास्कर। क्रम याद रखिएगा दोस्तों, पहला है ग्रीनलैंड, दूसरा है न्यू गिनी, तीसरा है बोर्नियो और चौथा है मेडागास्कर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है, जो कि कई देशों से घिरा हुआ है और इसके जो समुद्र से इसकी सीमा नहीं टच होती है, जिसके कारण इसे स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। तो ये कौन कौन से देश है जिसके साथ इसकी सीमा सटी हुई है? यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एवं ऑस्ट्रेलिया से यह घिरा हुआ है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएँ कहाँ स्थित है? दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएँ न्यूजीलैंड में स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि आल्प्स पर्वत तो मैंने यूरोप में पढ़ा था, तो जी बिल्कुल, आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है, लेकिन दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारण करती है? कर्मनाशा नदी, गंडक नदी एवं घाघरा नदी, ये तीन नदियां हैं जो कि यूपी एवं बिहार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो इन तीन नदियों का क्रम याद रखिएगा, सबसे ऊपर में आता है गंडक नदी, फिर आता है घाघरा नदी और सबसे नीचे में आता है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है, घाघरा को समिकी नगर अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। वहीं राजगीर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के नालंदा में, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास एवं कैमूर में, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बोध गया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कपिलास धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है? तो कपिलास धातु उद्योग बिहार के बक्सर जिला के राजपुर क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सूची एक एवं सूची दो को सम्मिलित करें कि एक तरफ खनिज का लिस्ट दिया गया है, उसके प्राप्ति के स्थल दिए गए हैं। चूना पत्थर कैमूर के पठारी क्षेत्रों से निकाले जाते हैं, जो कैमूर का पठारी क्षेत्र कैमूर एवं रोहतास में स्थित है। तो पहला होगा रोहतास। दूसरा मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जमुई जिले से प्राप्त किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन एवं सीसा बांका के क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट, क्वार्ट्जाइट आदि जो है मुंगेर के क्षेत्रों से प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सब इसके मिलान है, आप नीचे आंसर में इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरह है, वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को क्या कहा जाता है? तो वायु के प्रति इकाई भार में
विद्यमान जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। वही निरपेक्ष आर्द्रता होता है कि वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा। तो यहाँ पे आयतन है निरपेक्ष आर्द्रता में और विशिष्ट आर्द्रता में भार है। सापेक्ष आर्द्रता में वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की मात्रा और वायुमंडल में मौजूद या अधिकतम जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। जितना वायुमंडल में आर्द्रता मौजूद है और जितना मैक्सिमम हो सकता है, इनके अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता जो होता है वायुमंडल के आयतन एवं को जलवाष्प के भार को कहा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता प्रति इकाई भार और जलवाष्प के भार को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, डाम्फा अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डाम्फा भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, असम में काजीरंगा एवं मानस, ओडिशा में सिमलीपाल। तो डाम्फा अभयारण्य भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। अगला है, जूलियस हेक्सले के अनुसार जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो प्रत्येक कोशिका में जैव पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। यह सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला वास्तविक जीवित पदार्थ है। तो जूलियस हेक्सले ने जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार माना है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ श्वसन के दौरान विघटित हो जाता है? तो वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जब श्वसन की क्रिया होती है तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों ही विघटित हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो यूग्लिना एवं क्लेमिंडो मोनास दो ऐसे जीव हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे यानी कि जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन केवल दो ऐसे जंतु वर्ग हैं यानी जंतु हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, वो कौन कौन है? यूग्लिना और क्लेमिंडो मोनास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, श्वसन एवं उत्सर्जन किस प्रकार के जैविक क्रिया है? तो श्वसन एवं उत्सर्जन कैटाबॉलिक प्रकार की क्रिया है। अगले प्रश्न में एक तरफ शाखा दिया गया है और दूसरे तरफ उसके जनक का नाम दिया गया है, तो शाखा और उसके जनक का मिलान करना है। तो वनस्पति के शाखा के जो जनक है वो थियोफ्रेटस है, जिसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो दा विंची है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर है, जिसने चेचक के टीके की खोज की। वर्गीकृत के जनक जो है वो लिनियस है, तो लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। जीवाश्मिकी लियोनार्डो दा विंची और वनस्पति थियोफ्रेटस। तो इस प्रकार जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से बल द्वारा प्रतिवर्तित दही हो सकता है, यानी कि कौन सा इसका ऑप्शन है जो कि दही हो सकता है? तो किसी पिंड के आकार में परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये गलत है, यानी प्रश्न के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। उसके आकार में परिवर्तन और उसके रूप में परिवर्तन बल लगाकर लाया जा सकता है। गति को धीमा एवं तीव्र किया जा सकता है, यह भी सही है। पिंड की गति की दिशा भी बदली जा सकती है। तो बल लगाकर किसी पिंड के आकार, उसके दिशा, उसके गति को बदला जा सकता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, तो है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति को अपने भार में क्या महसूस होगा? तो जब लिफ्ट ऊपर त्वरण से जाती है तो वो भार में वृद्धि महसूस करता है, नीचे जाती है तो उसे कमी महसूस होती है। लेकिन यदि वेग ऊपर और नीचे जाते समय एक समान हो तो ना ही उसे कमी महसूस होगी और ना ही उसे वृद्धि महसूस होगी, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिए, जब एक समान वेग हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत पास्कल जी के नियम पर आधारित है। इन्होंने बताया था किसी बंद द्रव में के किसी भाग में दबाने पर दाब में वृद्धि होती है, जिससे बिना छय हुए एक समान रूप में संचरित होता है। तो पास्कल जी का यही नियम है। आगे बढ़ते हैं, 72, निम्न में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश। तो निम्नलिखित में से उच्चतम ऊर्जा नीले प्रकाश में होती है। जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी?
0 डिग्री सेल्सियस वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में और लकड़ी में। आपको मालूम होगा कि ध्वनि की चाल घनत्व बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में होती है। तो लकड़ी यहाँ पे ठोस है, तो अतः सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल लकड़ी में होगी। अगर पूरी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो एल्युमिनियम में होती है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिकतम होती है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 65% ऑक्सीजन, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन एवं 2% कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की और दूसरी सर्वाधिक मात्रा कार्बन की होती है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 75, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज सन 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरेल के द्वारा की गई थी। सन 1896 में हेनरी बेकुरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से द्रव एरोसोल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है बादल, ओस, कोहरा और साबुन के झाग। तो द्रव एरोसोल का उदाहरण है, ये तीनों उसके उदाहरण हैं, जबकि साबुन के झाग इसके उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कार्नोलाइट किसका अयस्क है? तो कार्नोलाइट दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्नोलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। कैल्शियम के अयस्क में से जिप्सम आता है, लाइमस्टोन आता है, फॉस्फोसाइट आता है। पोटेशियम के अयस्क है सिल्वरनाइट, नाइटर। कॉपर के अयस्क की बात करें तो कॉपर पायराइट कॉपर के अयस्क है। तो यहाँ पे कार्नेलाइट पूछा जा रहा है, तो कार्नेलाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में होती है, जबकि सबसे शुद्ध जो लोहा माना जाता है वो पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा में 0.12 से लेकर के 0.25% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति से पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि लोकसभा को विघटित कर दिया जाए, तो इस आधार पर लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है दोस्तों? तो जब एक लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, दूसरे लोकसभा का कार्यकाल का नियुक्त होने से पहले एक तत्कालीन स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर का जो शब्द है हमने फ्रांस से लिया है। प्रोटेम स्पीकर हमने फ्रांस से लिया है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य के विधानसभा में, विधान परिषद में विधानसभा के द्वारा टोटल 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, और 1/3 सदस्य जो होते हैं वो स्थानीय निकायों के माध्यम से चुने जाते हैं। 1/6 सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 1/12 सदस्य जो टीचर है उनके द्वारा चुना जाता है, जो कि प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं होने चाहिए और 3 वर्ष पूर्व उनका ज्वाइनिंग होना चाहिए, यानी 3 वर्ष का टीचिंग का अनुभव हो। और जो शेष 1/12 सदस्य है वो स्नातकोत्तर यानी स्नातक पास व्यक्ति चुनते हैं, और उनका भी स्नातक 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो गुटनिरपेक्ष देश नाम, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। वर्तमान में इसके देशों की संख्या 120 है। हाल ही में 49वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित की गई थी। अगला, कर्मा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्मा लोक नृत्य कर्मा जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में से संबंधित है। असम की बात करें तो असम में बिहू है, ओडिशा में ओडिसी है, केरल में मोहिनीअट्टम एवं कथकली है। बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। आशुतोष मुखर्जी को बांग्ला क्षेत्र में योगदान के लिए यह उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत के लखनऊ में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। देहरा में वन अनुसंधान केंद्र है। कोलकाता में पुरातत्विक विभाग की स्थापना की गई है। नई दिल्ली में मौसम विज्ञान केंद्र एवं आयुर्विज्ञान केंद्र है।
भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान, तो वो है लखनऊ में, वन अनुसंधान देहरादून में, पुरातत्विक विभाग कोलकाता में, और मौसम अनुसंधान नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, सूची एक एवं सूची दो को सुमेलित करें। एक तरफ व्यक्ति का नाम है और दूसरी तरफ वो वाद्य यंत्र का नाम दिया गया है जिसे वो बजाते हैं, तो विलायत खां का संबंध किससे है, अली अहमद हुसैन का संबंध किससे है, पन्ना लाल घोष का किससे है, और शिव कुमार शर्मा का किससे है। तो विलायत खां का संबंध सितार वादक से है, अली अहमद हुसैन का संबंध है सहनाई से, पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं, और शिव कुमार शर्मा संतूर वाद्य करते हैं। तो ये चारों मिलान सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित नहीं है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य सूचियों का एवं शक्तियों का विभाजन भारत के 7वीं अनुसूची में किया गया है। तो कुछ विषय जो है कि संघ सूची में है जो कि 97 है, राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 है, और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 है। तो लोक व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, और कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो 1, 2 और 3 समवर्ती सूची का विषय नहीं है बल्कि 4 है। अगला क्वेश्चन, वरीयता क्रम के अनुसार सजाए। प्रधानमंत्री का वरीयता क्रम है 3 नंबर पे, मुख्य न्यायाधीश का 6 पे, लोकसभा विपक्ष का नेता का 7 पे, और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का है वरीयता क्रम 7 का ए। तो इस प्रकार आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तर की राजनीतिक पार्टी है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। जबकि राज्य स्तर की पार्टी की बात करें तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी राज्य स्तर की पार्टी है। तो केवल 3 उत्तर इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति प्रदान नहीं है। तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबन कार्य वीटो और विशेषित वीटो। राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो प्राप्त है। एक होता है अत्यंतिक वीटो, अर्थात उसी समय राष्ट्रपति यह निर्णय लेते हैं कि किसी भी विधेयक को या स्वीकृत किया जाए या अस्वीकृत किया जाए, उसी समय जो लिया गया निर्णय होता है वह अत्यंतिक वीटो होता है। कुछ है जो कि वापस भेज दिया जाता है, निलंबनकारी यानी कि उसे वापस पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पास भेजा जाता है, पॉकेट वीटो जिसे राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो ये 3ों प्रकार के वीटो राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं, विशेषित वीटो राष्ट्रपति को प्रदान नहीं किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। सीवी रमन को वर्ष 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है जो है रमन, जो कि भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है। घाना का पुराना नाम है दोस्तों गोल्ड कोस्ट। आगे बढ़ते हैं, DDT कौन सा प्रदूषक उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषक, जल प्रदूषक, मिट्टी प्रदूषक और उपयुक्त सभी। DDT 3ों प्रकार के प्रदूषक है। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। क्वेश्चन नंबर 94, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ है। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे आते हैं, अर्थ आवर कब शुरुआत किया गया था। अर्थ आवर की शुरुआत कब की गई थी, तो अर्थ आवर की शुरुआत वर्ष 2007 में सिडनी से की गई थी। अर्थ आवर होता क्या है, तो अर्थ आवर हर वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, जिसमें 8:30 से लेकर के 9:30 के बीच सभी घर की बिजली को बंद किया जाता है। वो बिजली की खपत को, ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से सिडनी में इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2007 से की गई थी। निम्न में क्षेत्र में कौन विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है। तो सूडान या सवाना की जलवायु को विश्व में प्राकृतिक चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है, जो कि अफ्रीका महादेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल में आर्द्रता पर निर्भर करती है। यदि वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होगी तो वर्षा अधिक होगी, और वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा कम होगी तो
वर्षा कम होगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक तरफ दिया गया है कि विभिन्न प्रावधान जो कि चार्टर एक्ट के द्वारा एवं एक्ट के अधिनियम के द्वारा लाए गए, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई थी, जो जिसमें कि जो उसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे। अगला है कि भारत में कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो विभिन्न जो पद थे उन पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत की गई थी। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति सन 1861 के अधिनियम से प्राप्त होती है, और मुस्लिमों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था मार्लेमिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन, लास्ट, सेकेंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? उपाधियों का उन्मिलन अनुच्छेद 17 नहीं अनुच्छेद 18, पहला ही गलत है। आगे देख लेते हैं, गिरफ्तारी के मामलों में संरक्षण अनुच्छेद 22 बिल्कुल सही, अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर संरक्षण अनुच्छेद 20 सही है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 ये भी सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, उसका आंसर होगा अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सेवा कर की समाप्त के संबंध में उपबंध बनाए गए थे? तो सेवा कर के संबंध में 88वां संविधान संशोधन 2003 में उपबंध बनाया गया था। सेवा कर जो है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा और इसकी प्राप्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि आपको यह टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा होगा। आगे भी हम इस टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू रखेंगे। इंटीरिया फैमिली के साथ जुड़ने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस सेट को घर पे प्रैक्टिस करें।